फ्रेंड्स, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो थंबनेल एंड टाइटल देख के तो आप सभी को पता चल ही गया होगा कि इस वीडियो का टॉपिक क्या है। सो गाइज, आज मैं एक चैलेंज लेके आई हूँ, तो अंडर 10 रुपीज मेकअप चैलेंज, और देखते हैं कि मेकअप मेरा कंप्लीट हो पाता है या नहीं। एंड आज अ डेट 28 एंड आज का मौसम इतना गंदा था, मतलब पूरा कुहेसा कुहेसा। सो अभी तो टाइम हो रहा है 12 बज रहे हैं एंड मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था आज वीडियो शूट करने का, बट थोड़ा सा हिम्मत ला के और मैंने सोचा वीडियो को कैसे भी कंप्लीट कर लेते हैं। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड पहले मैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी के साथ शेयर कर देती हूँ कि मेरे प्रोडक्ट्स क्या क्या हैं और मैंने कहाँ कहाँ से सब लाए हुए हैं। सो ये हैं प्रोडक्ट्स जो कि मेरे चैलेंज में काम देने वाले हैं, एंड इसको यूज़ करके मैं अपने वीडियो को कंप्लीट करने वाली हूँ। सो मैंने ले लिए हैं पॉन्स का पाउडर, जो कि आप सभी को पता होगा इजीली किसी भी शॉप पे मिल सकता है, एंड ये 10 रुपीज़ का भी मिलता है, लेकिन मेरे पास अभी छोटा वाला पैकेट नहीं था। सो मैंने इसे ही वीडियो बनाने के लिए इसको यूज़ कर लिया है। एंड ये है लैक्मी का मॉइस्चराइजर, जो कि 10 रुपीज़ में बहुत ईजिली मिल जाता है। हम स्कूल टाइम या फिर कॉलेज टाइम में हम इसे यूज़ करते थे, एंड स्कूल टाइम में तो सबके पॉकेट में एक एंड लैक्मी का क्रीम तो सबके बैग में होता था, सबके पॉकेट में। एंड ये मैंने ले लिया है, ये बहुत फेमस है बोरो प्लस 10 रुपीज़ वाले, और इसको मैं किस वे में यूज़ करने वाली हूँ वो भी आपको इस वीडियो में दिख जाएगा। लिप बाम जो कि स्ट्रॉबेरी वाला है, एंड इसको भी मैं दिखाऊंगी किस वे में मैं यूज़ करती हूँ। एंड एक मैंने ले लिया है ग्लिसरीन, जो कि मे बी ये सारे 10 रुपीज़ में आ ही जाएंगे, कोई भी 10 रुपीज़ से ज़्यादा। और रोज़ वाटर, जो कि बहुत ईजिली 10 रुपीज़ में सबको मिल जाएगा, ये तो 10 रुपीज़ में मिलता ही है, बट ये भी मेरे पास बड़ा वाली है इसके लिए सॉरी। और ये रहा, बहुत दिनों बाद मैं ये सब यूज़ करने वाली हूँ, मतलब ये पता ना कि बचपन की यादें आज बिल्कुल ताज़ा होने वाली हैं। सो मैं ये यूज़ कर रही हूँ फेयर लवली, एंड सारी ये जो काजल 10 रुपीज़ के काजल हैं, एंड जो मैंने नेल पेंट लगाया हुआ है भी 10 रुपीज़ में है। तो चलिए, बातें बहुत ज़्यादा हो गई एंड वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले हमारे मेकअप का प्रोसेस क्या होता है कि हमें अपने फेस को नॉर्मली वॉश करना होता है। सो मैंने फेस वॉश कर लिया है, एंड फेस वॉश करने के बाद मेरे फेस पर भी कुछ भी अप्लाई नहीं हुआ है, बस एक बिंदी है जो कि मैं भी रिमूव कर देती हूँ। सो बिंदी भी रिमूव हो चुका है, एंड अब चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड अपने मेकअप को कंप्लीट करते हैं। पहले मैं यूज़ करूँगी टोनर। सो एज ए टोनर मैं यूज़ टोनर तो मुझे 10 रुपीज़ में कोई भी नहीं मिला, बट टोनर की जगह पे मैं इससे रोज़ वाटर को यूज़ करने वाली हूँ, एंड रोज़ वाटर तो बेस्ट रहता है एज ए टोनर, इसको अगर यूज़ करें तो बहुत सही रहता है हमारे फेस के लिए। सो पहले हम टोनर अपने फेस पर अप्लाई करेंगे, एंड मेरा फेस देख सकते हैं आप। एंड रहा बात टोनर का, तो मैं टोनर बायोटिक का यूज़ करती हूँ, जो कि बहुत सही रहता है। सो टोनर को पहले सेट कर लेंगे। एंड मेरे पास अभी 10 रुपीज़ का कोई सीरम भी नहीं है, तो मैं सीरम की जगह पे यूज़ करने वाली हूँ ग्लिसरीन, जो कि बहुत इजीली 10 रुपीज़ में ही मिल ही जाएगा सभी को। एंड ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, बिकॉज ये सारे के सारे प्रोडक्ट 10 रुपीज़ में हैं, और उसके बाद मैं यूज़ करूँगी लैक्मी का मॉइस्चराइजर क्रीम। सो इसको मैं भर भर के यूज़ करने वाली हूँ, बिकॉज आज भी मैं यही मॉइस्चराइजर यूज़ करती हूँ, बट इस टाइम मैं बायोटिक का यूज़ कर रही हूँ ठंडी में, बट नॉर्मली गर्मी वगैरह में मैं यही यूज़ करती हूँ लैक्मी का। ये मॉइस्चराइजर बहुत सही रहता है, बहुत सही। एंड इसके बाद मैं यूज़ करने वाली हूँ प्राइमर। सो आप लोग सोच रहे होंगे कि प्राइमर 10 रुपीज़ में कहाँ से आएगा। सो एज ए प्राइमर मैं यूज़ करने वाली हूँ 10 रुपीज़ का बोरो प्लस। सो या मैं इसको एज ए प्राइमर यूज़ करने वाली हूँ, सही रहेगा मे बी। और जिस एरिया पे हमें यूज़ करना है हम वहाँ पे प्राइमर लगा लेंगे, सॉरी प्राइमर नहीं बोरो प्लस। आई होप आप सब बोर नहीं हो रहे होंगे मेरी वीडियो से, एंड यहाँ तक जो भी आगे होंगे प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा।
एंड इसके बाद मैं अपने लिप्स को मॉइस्चराइज कर लूँगी। सो इसके लिए मैं यूज़ करूँगी लिप बाम अपना। इसको मैं तो मतलब अभी तक मैं इसको बचपन से यूज़ करती आ रही हूँ और आज भी इसे यूज़ करती हूँ। लिप डोज नहीं रखती, यही रखती हूँ। एंड आपसे एक क्वेश्चन रहेगा, क्या इसे फेस पे यूज़ करते हैं, ये जो ग्लिसरीन होता है? मैं तो यूज़ करती हूँ, मुझे पता नहीं है, बट मैं बहुत लॉन्ग टाइम से इसको फेस पे यूज़ करती हूँ, बट अभी तक कोई मुझे साइड इफेक्ट नहीं हुआ है, इसलिए मैं पूछना चाहती हूँ। किसी को पता होगा तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा कि इस ग्लिसरीन को फेस पे यूज़ करना चाहिए या फिर नहीं। मुझे तो कोई आइडिया नहीं है, बट मैं अप्लाई तो कर ली, अब इसके बाद क्या होता है देखते हैं। बट मैं बहुत लॉन्ग टाइम से यूज़ कर रही हूँ, अभी तक कुछ नहीं हुआ मेरे फेस पे, आप लोग देख सकते हो। सो नेक्स्ट चलते हैं अब हम अपने फाउंडेशन पे। सो इसकी स्मेल से ही पूरी बचपन की यादें याद आ जाती हैं। ओह माय गॉड। सो पहले बोरोप्लस को हम अच्छे से यूज़ कर लेंगे, क्योंकि हमें यही निखार देगा और यही इसी से हम गोरे होंगे। वैसे मुझे बोरोप्लस तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बहुत चिपचिपा सा लुक देता है, बिल्कुल चिप करता है मेरे फेस पे। एंड कौन कौन अभी भी बोरोप्लस यूज़ करता है ये भी बताइएगा आप लोग। मैं तो बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती हूँ, एंड पहले भी यूज नहीं करती थी। मेरी मम्मी अभी भी यूज करती है। मेरी मम्मी के मेकअप किट में आपको बोरो प्लस जरूर दिखेगा, जरूर ही जरूर दिखेगा, मतलब बहुत मम्मी यूज करती है उसे। एंड बोरो प्लस के बाद मैं पाउडर नहीं यूज कर सकती, बिकॉज मैं बोरो प्लस के बाद पाउडर यूज करती हूँ तो उसमें से कुछ ऐसा लगता है कि स्किन से कुछ निकल रहा है, तो उसके लिए मैं नहीं लगा सकती, मुझे बहुत डर लग रहा है। सो बाद में मैं पाउडर से अपने फेस को सेट कर लूँगी मेकअप को। बट अब इसके बाद मैं यूज़ करने वाली हूँ ब्लश, जो कि ये भी 10 रुपीज़ में, मैं एक लिपस्टिक है ये भी 10 रुपीज़ में ही है। सो मैं इसी से अभी ब्लश लगाने वाली हूँ। सो मैं पिंक ब्लश लगाऊँ या फिर रेड? पिंक लगा लेती हूँ एंड रेड लिपस्टिक हो जाएगा। आईशैडो भी लगा लिया है, अब वो देख सकते हो पिंक बिल्कुल मेरा आईशैडो दिख रहा होगा एंड मे भी सही लग रहा होगा आप सभी को। सही है। अब मैं क्या करूंगी एज ए आईलाइनर, मैं काजल तो लगाती नहीं हूं, मुझे काजल पसंद नहीं है। वैसे पहले मैं शादी से पहले तो काजल पसंद करती थी, बट अब मुझे काजल मेकअप में बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आई नो कि काजल लगाने से हमारी आंखें बड़ी हो जाती हैं, बट मुझे लगता है कि हमारी आंखें छोटी हो जाती हैं। मैं इससे एज ए इस काजल को मैं एज ए आईलाइनर एंड आईशैडो यूज करने वाली हूँ। अब इसको हम मिक्स कर देंगे, ज्यादा नहीं बस थोड़ा थोड़ा सा, जिससे कि ये बिल्कुल आईशैडो ज्यादा पिंक ना लगे, सही लगे हमारा मेकअप। नेक्स्ट मैं लगाने वाली हूँ लिपस्टिक। सो लिपस्टिक यूज करने से पहले मैं लिप्स को लाइन कर लूंगी काजल से ही, क्योंकि मेरे पास लिप लाइनर भी नहीं है। सो आज वो टाइम है जो कि मैं अपने लिप्स पे अपना हैक ट्राई कर सकती हूँ।
नाउ मैं अप्लाई करूंगी रेड लिप्स अपने मेकअप को कंप्लीट करने के लिए। एंड ये हमारा लिपस्टिक फाइनल। एंड अभी मेरा अभी मुझे आईब्रो सेट करना है, मैं तो भूल ही गई थी बिकॉज ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एंड काजल से ही मुझे आईब्रो भी सेट करना होगा। क्योंकि हम कोई ब्रश यूज नहीं कर सकते हैं, सो ज्यादा हो गया। एंड कैसा लगा मेरा लुक। एंड अभी है मुझे अपनी फेस को और मुझे अपने मेकअप को सेट करना होगा। सो ये रहा पाउडर जिससे कि मैं अपने फेस मेकअप को सेट करने वाली हूँ। मेरे मुंह से बार बार फेस निकल जा रहा है। मैं कोई ब्रश यूज नहीं कर सकती बिकॉज ये चीट हो जाएगा मेरे लिए, क्योंकि मेरे पास 10 रुपीज़ में कोई भी ब्रश नहीं मिला मुझे। तो मैं अपने मेकअप को हाथ से ही सेट कर लूंगी पाउडर की हेल्प से। मेरा मेकअप तो कंप्लीट हो गया है बट मेरे पास अभी हाइलाइटर नहीं है। सो बिना हाइलाइटर के तो मुझे ऐसा ही लगता है कि मेरा मेकअप पूरा अधूरा है। सो जैसे कि जब हम लिप बाम यूज करते हैं सो होते हैं ना लिप्स लाइक मैं लिप्स पे यूज की हूँ, कभी कभी चिक पे यूज करती हूँ तो हाईलाइट करता है। सो एज ए हाईलाइटर हम इसको यूज करते हैं एंड देखते हैं इसका रिजल्ट क्या आता है। आप भी देखिएगा क्योंकि मैंने देखा है कभी कभी मेरा लिप्स जब मैं लिप्स पे यूज करती हूँ उसको तो मेरा लिप्स थोड़ा सा लाइट सा चमकने लगता है। सो इसको ही मैं जहाँ जहाँ हाइलाइटर यूज करती हूँ वहाँ वहाँ इसको यूज कर लूंगी। एंड वीडियो थोड़ा सा भी आपको हेल्पफुल लग रहा है तो प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा एंड वीडियो पसंद आई हो तो शेयर कर दीजिएगा। सो मैंने फेस को हाईलाइट भी कर लिया एंड अब है बारी हमारे मेकअप को सेट करने का। सेट करने से पहले मैं सिंपल सा 10 रुपीज में तो बिंदी तो आ ही जाता है यार, बिंदी तो बहुत सिंपल है। नहीं भी आएगा तो वो काजल से यूज कर सकते हैं बट मेरे पास 10 रुपीज का बिंदी था छोटा वाला, सो मैं इसको यूज कर लेती हूँ। एंड टिंटेडा अभी मेकअप मेरा पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, मैं भी मेकअप को सेट करूंगी रोज वाटर की हेल्प से। सो बिकॉज मेरा मेकअप वाटर प्रूफ नहीं है सो मैं मेकअप खराब ना हो जाए इसका भी डर है मुझे। सो नाउ मेरा मेकअप तो कंप्लीट हो गया बट मेरा लुक अभी कंप्लीट नहीं हुआ है बिकॉज बिना हेयर स्टाइल के मुझे नहीं लगता कि मेकअप। 1 2 3 सो गाइज ये रहा मेरा कुछ फाइनल लुक एंड आई होप आप सबको पसंद आया हो। सो कैसा लग रहा है मेरा मेकअप अंडर 10 रुपीज़। ओके 10 रुपीज में इतने अच्छी ब्यूटी लुक आ सकती है सो आप लोग देख सकते हो। लग रही हो ना प्रीटी, काश बचपन में भी मुझे ऐसा मेकअप आता तो मैं कितने खूबसूरत देख सकती थी। मुझे ये नहीं पता था कि मैं 10 रुपीज में भी मेकअप मतलब फालतू में हम लोग इतने प्रोडक्ट वेस्ट करते हैं बट ऐसा नहीं है यार, जैसा मेकअप होता है वैसा लुक आता है। जैसे कि मेरा बिल्कुल सिंपल सा लुक है लाइक सिंपल सा, मैं कहीं पार्टी वगैरह में नहीं जा सकती बट घर पे अगर पूजा है तो मैं ऐसा मेकअप कर सकती हूँ, या फिर ऐसे सिंपल मंदिर में जाना हो सो वहाँ भी हम कर सकते हैं, या फिर कोई गेस्ट आने वाला है घर पे सो ये सिंपल सा लुक हम रख सकते हैं। सो कैसी लगी मेरी वीडियो एनी मेरा लुक, साड़ी आप लोग देख सकते हैं। एंड मेरा हेयर स्टाइल देख लो आप लोग। एंड कैसा लगा मेरा आज का वीडियो, आई होप आप सबको पसंद आया हो। एंड वीडियो पसंद आया तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एंड मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। एंड ये लुक मेरा कैसा लगा कॉमेंट बॉक्स में बताइएगा। एंड मैं एक
चैलेंज स्टार्ट करने वाली हूँ, जो कि रहेगा अगर मेरे कमेंट में, अगर आप सब कमेंट करोगे सो मैं इसका रिप्लाई अपने वीडियो में दूंगी। सो वीडियो के लास्ट में आप सभी को, मतलब हर एक वीडियो के लास्ट में आप सभी को एक मेरा कमेंट रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। सो देखते हैं कौन कमेंट करता है, और कोशिश करूँगी कि अपने चैलेंज को मैं फॉलो कर पाऊँ एंड अपनी वीडियो को कंप्लीट कर पाऊँ। सो गाइज, कैसा लगा मेरा आज का ये लुक? एंड अगर आप सबको ऐसे ही कुछ चैलेंज वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में बता दीजिएगा आप सबको किस टाइप का वीडियो चाहिए। सो जैसे कि आपको पता है, मैं मेकअप की वीडियो बनाती हूँ एक ही वीडियो में, मतलब एक चैनल पर मैं सब कुछ बनाती हूँ, मेकअप से रिलेटिव एंड डेली ब्लॉग एंड कुकिंग हो या फिर कुछ भी हो। अगर आप लोग को जैसा भी वीडियो चाहिए, कोई भी कलेक्शन वगैरह मैं शेयर करती रहती हूँ, जो भी मेरे पास है, जैसे मेकअप कलेक्शन आप सबको चाहिए या फिर साड़ी वगैरह, मैं तो शेयर कर चुकी हूँ, बट अभी बहुत वेडिंग टाइप का साड़ी है बहुत मेरे साथ, मतलब अगर आपको कुछ जिस टाइप का वीडियो चाहिए सो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। एंड आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो पसंद आई तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय, टेक केयर, नेक्स्ट वीडियो में।